नमस्कार साथियों, आज फिर से आप लोगों को आज की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में क्या हम पढ़ाने वाले हैं, चलिए आप लोग इस क्लास में बने रहें तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम इस क्लास में क्या पढ़ाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है तो सभी स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में बताइए कि इस चैनल में अच्छा पढ़ाई होता है। और चलिए दोस्तों एंड साथियों, आज हम आप लोगों को राष्ट्रपति का क्लास लेंगे। राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो भारतीय संविधान में वह राष्ट्रपति का बारे में कहाँ से लिखा गया है और कहाँ से वह कितना योग्यता प्राप्त करेगा तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट को अगर बाय चांस भविष्य में राष्ट्रपति बनना है यानी पॉलिटिकल लाइन में जाना है या कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल है। चलिए फिर आज की क्लास में हम आप लोगों को राष्ट्रपति का बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति के जो बारे में भारतीय संविधान में फ्रेंड अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक चर्चा किया गया है। यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक चर्चा किया गया है। इसलिए फ्रेंड इतना हम आज की क्लास में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक की सारी आप लोगों को जानकारियां देंगे। इसलिए क्लास में बने रहें और बिना स्किप किए हुए आज की क्लास को देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सबसे पहले आप लोगों को अनुच्छेद 52 को बताएंगे और अनुच्छेद 52 को लाइन बाय लाइन समझिए। हाँ दोस्तों, देखिए यहां पर अनुच्छेद 52 के कहना है कि भारत का जो संविधान में कहना है कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा, भारत का राष्ट्रपति एक होगा जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये अनुच्छेद 52 कहता है, काहे कि भारत में राष्ट्रपति एक ही हो सकता है, राष्ट्रपति दो नहीं हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 52 पहले ही आप लोगों को इंडिकेट कर देता है कि भारतीय संविधान में या भारतीय भारत देश में राष्ट्रपति एक होगा और वह कार्यपालिका का प्रधान होगा। चलिए फिर हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप लोग नोट बनाइए। एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का फ्रेंड, कार्यपालिका का क्या होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा, प्रधान होगा। ये आप लोगों की अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है। इसको फिर नोट भी करिए और क्लास को बिना स्किप किए देखिए, जिससे कि आप लोगों को फुल्ली समझ में आएगा। और जिसको क्लास समझ में नहीं आएगा वो दोबारा भी देख सकते हैं। इसके लिए कोई आप लोगों को कोई पे नहीं करना, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री में है, देख सकते हैं। ठीक है फिर, चले फिर इसके बाद हम आप लोगों को अनुच्छेद 53 बताते हैं। पहले अनुच्छेद 53 को समझ लीजिए फ्रेंड। अनुच्छेद 53 का कहना है कि जो भारत के संविधान में क्या कहना है कि संघ का जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगा। कार्यपालिका की, संघ की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगा और राष्ट्रपति जो है उस शक्ति को अपने द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा। चलिए फिर हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है नोट कीजिए ना। संघ की कार्यपालिका की शक्ति शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी,
राष्ट्रपति में निहित होगा। उसके बाद बोलना है कि जो वो शक्ति को कहाँ प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, वो अपने अपने द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा। हाँ, इसका मतलब समझ जाइए फिर। ये दो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसको इंपॉर्टेंट कर ले फिर। उसके बाद फ्रेंड कि राष्ट्रपति जो है वो अपना शक्ति का प्रयोग वो अपने द्वारा तैयार किए गए अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति खुद काम करने के लिए चला जाएगा। ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यानी इंडियन संविधान में लिखा हुआ है। आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, इतना ही बात लिखा हुआ है फ्रेंड। इसको नोट करते चले, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा। और जिसको पॉलिटिशियन बनना है तो वो पढ़ ही ले, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की अनुच्छेद आप लोगों को हम समझाते हैं। 52 और अनुच्छेद 53 के बाद फ्रेंड आप लोगों को अनुच्छेद 54 समझाते हैं। समझिए फ्रेंड और लाइन बाय लाइन नोट करते हुए चलिए। अनुच्छेद 54 यानी 54। अनुच्छेद 54 में फ्रेंड राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति कैसे बनेगा वो उसका तरीका बताया गया है। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, काहे कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। आप लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति का घोटाला करके या किसी को भी बना सकता है। नहीं फ्रेंड, राष्ट्रपति को विपक्ष और पक्ष दोनों पार्टी मिल के बनाता है। इसलिए इसमें किसी की कोई घोटाला नहीं होती, किसी का मेल मिलाव नहीं होता है। और जिसको अगर विपक्ष को या दिक्कत है या पक्ष को दिक्कत है किसी भी राष्ट्रपति से, तो उसके लिए महाभियोग के पास यानी मुख्य न्यायाधीश के पास जाना है और उसको क्या करना है, सभापति को कंप्लेन करना है। और 15 दिन में फिर से उसकी जांच होती है। इसलिए आज हम इस अनुच्छेद 54 में फ्रेंड हम आप लोगों को राष्ट्रपति का निर्वाचन बताएंगे यानी राष्ट्रपति कैसे बनते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन फ्रेंड नोट करते हुए चलिए फ्रेंड, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये नोट्स कहीं नहीं मिलेगा इतना इजी में। राष्ट्रपति का निर्वाचन फ्रेंड निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड? आप लोग सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक लिखिए कि निर्वाचन मंडल के द्वारा द्वारा किया जाता है। तब निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है आप लोग चलिए जानते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं चलिए फ्रेंड डैश दीजिए और लिखिए ए नंबर। निर्वाचन मंडल में फ्रेंड सबसे पहले दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सॉरी फ्रेंड, संसद संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित निर्वाचित सदस्य। और इसका इसमें बी नंबर नोट कीजिए फ्रेंड, संसद में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। उसके बाद राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य। इसके अलावे भी कुछ कुछ फ्रेंड होते हैं, जैसे कि सी नंबर में नोट कीजिए, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश में दो विधानसभा है, जैसे कि दो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है जैसे पांडुचेरी और दिल्ली, इसके भी निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो कहां का पांडु चेरी, पांडुचेरी और दिल्ली।
दिल्ली के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। ये तीन टॉपिक है, तीन गो टॉपिक जो लिखवाए हैं, ए में लिखवाए हैं सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और पांडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये पांडुचेरी और दिल्ली के अनुशासित प्रदेश है। ये इतने सारे सदस्य मिल के ये विधानमंडल में बैठक करते हैं, और बैठकर विधानमंडल में शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में, और वहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इतना ही फिर निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्य शामिल होते हैं। इतना याद रखिए फ्रेंड, ये सब नोट करना है, ये तो कुछ ज्यादा ही नोट करने वाला है, ये सब नोट कर ले फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतने इजी वे में कोई नोट नहीं देगा, इसलिए इसको नोट कर ले, और जिसको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। चलिए फिर आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन नहीं शामिल होता है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी नोट कर ले, आपको बता दिए कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। चलिए फिर हम अब बताते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं। तो निर्वाचन मंडल में जो नहीं शामिल होते हैं उसका नाम वो है विधान परिषद। विधान परिषद परिषद के सदस्य और मनोनीत किए गए सदस्य। ये इंपॉर्टेंट कर ले फ्रेंड, ये दोनों जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा, और विधान परिषद, ये इसमें स्थित सदस्य और इसमें स्थित सदस्य, ये दोनों सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते जब राष्ट्रपति को निर्वाचन किया जाएगा, उस समय ये लोग शामिल नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट कर ले। आगे चलिए फ्रेंड, हम आप लोगों को 55 अनुच्छेद बताते हैं। चलिए फ्रेंड क्लास में बने रहे आप लोगों के। फ्रेंड हम 54 तक, अनुच्छेद 54 तक बता दिए हैं, अब आगे फ्रेंड आप लोगों का अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में कुछ नहीं है फ्रेंड, अनुच्छेद 54 में जो कहा गया था राष्ट्रपति का निर्वाचन वही है, इसमें बस इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की चुनाव का चर्चा किया गया है। बस 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें 55 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया गया उसका चर्चा किया गया, इसमें बस कुछ नहीं है। फिर आगे फ्रेंड हम आप लोगों को अनुच्छेद 56 बताते हैं। इसमें फ्रेंड अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल को बताया गया। अनुच्छेद 56 को नोट करते हुए चलिएगा फ्रेंड। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा की गई है। फिर चलिए तो राष्ट्रपति की कार्यकाल की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग नोट कर ले ए करके कि अगर कोई भी राष्ट्रपति बन गया हो तो वह 5 वर्ष के लिए बन सकता है। कितना वर्ष के लिए बन सकता है फिर? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन सकता, राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद बी में फ्रेंड अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है तो उसको महाभियोग ही हटा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग ही हटा सकता है, महाभियोग ही राष्ट्रपति को हटा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर। उसके बाद आप सी में लिख लीजिए फ्रेंड,
राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, अगर उसको बीच में ही कार्यकाल छोड़ना है तो वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, यानी उप राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, और या उसका कार्यकाल तब भी खत्म हो जाएगा जब उसका मृत्यु हो जाएगा। ऑप्शन डी में लिख लीजिए, यानी डी सेशन, यानी डी में लिख लीजिए कि जब वह मृत्यु हो जाए। इतनी सारी बातें हैं जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा की गई है। जैसे कि राष्ट्रपति अगर कोई बन गया है तो वह 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वह कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है तो उसको महाभियोग ही हटा सकता है। ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अनुच्छेद 56 तक समझा दिए हैं, अब इस अनुच्छेद में हम आप लोगों को 57 समझाएंगे। चलिए फिर, 57 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 57 की कहना है, अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहता है कि जो कोई भी सदस्य होगा, कोई भी सदस्य अगर निर्वाचित राष्ट्रपति पद पे होगा तो वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। इसका कहने का मतलब एक राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकता है, ये अनुच्छेद 57 की कहना है। चलिए फिर लिखते हैं नोट के लिए। पद पर निर्वाचित है तो वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 57 के कहना है फ्रेंड, अगर कोई भी एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित है तो वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। इसका कहना है कि वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए फिर इसके बाद हम अनुच्छेद 57 आपको 57 के बाद 58 समझाते हैं। अनुच्छेद 58 में फ्रेंड राष्ट्रपति का योग्यता का बताया गया है। राष्ट्रपति क्या होगा, योग्यता मतलब कितना क्या काम, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए फिर राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, तो सबसे पहले राष्ट्रपति का योग्यता होना चाहिए फ्रेंड कि वह भारतीय होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड बी नंबर में वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका होगा। ये सब अनुच्छेद 58 के कहना है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति बनता है या योग्यता रखता है, तो वह सबसे पहले उसको तो पहले भारतीय होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, और उसके बाद उसको वो 35 वर्ष की उम्र को पूरा कर लेना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद को हासिल कर सकता है। एक और है फ्रेंड ऑप्शन, मतलब सी, जिसको सी नोट कहते हैं, इसको नोट करिए। सी में है कि अगर और एक तरीका है जिससे कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, जैसे कि लोकसभा के संसद होने का योग्यता रखता हो, संसद बनने का योग्यता रखता हो, लिख लीजिए फिर, लोकसभा का संसद होने की योग्यता रखता हो। इतने सारे गुण अगर कोई किसी एक व्यक्ति में हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। पहले तो भारतीय होना चाहिए, सेकेंड में उसको 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना है, और दूसरा कि वो लोकसभा का संसद होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति एक राष्ट्रपति पद, भारतीय के भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर सकता है। चलिए फिर अनुच्छेद 58 के बाद आप लोगों को अनुच्छेद 59 समझाते हैं। आप लोग समझते रहिए, बिना स्किप किए क्लास को देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ये जीएस की क्लास है फ्रेंड, थोड़ा बोरिंग लगता है बट, लेकिन हम इस तरह आप लोगों को समझा रहे हैं कि बोरिंग ना लगे। चलिए फिर अनुच्छेद आप लोगों को 59 समझाते हैं। 8 के बाद फिर अनुच्छेद 59,
अनुच्छेद 59 के कहना है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है और वह कोई भी विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीना के अंदर कोई भी लोकसभा की पद से यानी कोई भी लोकसभा की सीट को जीतना होगा। अगर वह जीत नहीं पाता है तो उसे पद राष्ट्रपति पद से त्याग देना होगा। ये अनुच्छेद 59 कहता है। चलिए फिर नोट कीजिए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है और वह किसी विधान मंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना होगा होगा नहीं तो त्याग पत्र देना होगा। अनुच्छेद 59 के कहना फ्रेंड, अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया है और वह कोई भी लोकसभा के विधानमंडल से सदस्य नहीं है यानी लोकसभा के सदस्य नहीं है, तो वह 6 माह के अंदर किसी भी विधानमंडल से वह जीत कर आना होगा। अगर वह नहीं जीत पाता है तो उसे क्या देना पड़ जाएगा फ्रेंड, त्याग देना पड़ जाएगा। ये नोट कर लीजिए, ये 59 अनुच्छेद के कहना है। चलिए फ्रेंड 59 के बाद आप लोगों को 60 अनुच्छेद बताते हैं। अनुच्छेद 60 का कहना है शपथ ग्रहण, यानी कोई भी अगर राष्ट्रपति बन गया है, राष्ट्रपति बनने के पद के पूर्व वह किसके पास शपथ ग्रहण करता है, तो वह मुख्य न्यायाधीश के पास शपथ ग्रहण करता है ना, और ताकि और नहीं अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को के सामने राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करना पड़ता है। ये सब सारी बातें को आप लोगों को याद रखना है। चलिए फिर इसमें नोट करते हैं, ये अनुच्छेद है शपथ ग्रहण, नोट कर ले। इसमें शपथ अगर कोई राष्ट्रपति 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 बनने के पूर्व उसे मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करना होगा। ये फ्रेंड अनुच्छेद 60 का कहना है। अनुच्छेद 60 का कहना है कि अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है तो उसे राष्ट्रपति पद पर बैठने से पूर्व उसे शपथ ग्रहण करना पड़ता है। वह शपथ ग्रहण किसके सामने करेगा फ्रेंड, वह मुख्य न्यायाधीश। ये इंपॉर्टेंट है फिर, इसको याद कर लेना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर ले। चलिए फिर इसके बाद अनुच्छेद 61 का कहना है फ्रेंड कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठ गया है यानी राष्ट्रपति बन गया है तो उसे महाभियोग ही हटा सकता है, उसके अलावा अन्य कोई नहीं हटा सकता। ये अनुच्छेद 61 के कहना है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया है उसको महाभियोग ही हटा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हटा सकता। ये अनुच्छेद 61 कहना है भारतीय संविधान में। चलिए फिर इसको नोट करते हैं ना। चलिए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो उसे महा वियोग ही हटा सकता है और अन्य कोई नहीं। इसको भी नोट कर ले फ्रेंड,
कि अगर कोई भी राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, तो महाभियोग। और इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को कमेंट करना है फ्रेंड। इसका रिलेटिव हम क्वेश्चन आप लोगों को बना दिए हैं, तो इस क्वेश्चन में और इस क्लास में जाके आप लोगों को कमेंट करना है कि कोई भी राष्ट्रपति को कौन हटाता है, तो महाभियोग हटाता, इसके अलावा कोई नहीं हटाता। चलिए फ्रेंड, राष्ट्रपति का सबसे लास्ट अनुच्छेद 62, उसमें क्या कहा गया है भारतीय संविधान में, आप लोगों को हम समझाते हैं। चलिए, और इसी तरह क्लास में बने रहे। 62 का कहना है फ्रेंड, चलिए आप लोगों को सबसे पहले हम समझा देते हैं। अनुच्छेद 62 का कहना है, अगर कोई भी राष्ट्रपति रिक्त मतलब अपना पद को रिक्त कर देता है, यानी कोई भी कारणवश वो अपना पद को त्याग दिया, तो उसे 6 महीने के अंदर के ही पूर्व अंदर ही उस पद को भर दिया जाता है, और जो राष्ट्रपति बनेगा वह 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। ये भारतीय संविधान के 62 का कहना है। चले फिर इसको भी नोट कर लें, अगर अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे 6 माह के अंदर भर दिया जाएगा, और वह राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। ये सब अनुच्छेद 62 कहना है कि अगर कोई भी मतलब अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो गया भारतीय सभी भारत में, तो उसको 6 महीने के अंदर ही भर दिया जाएगा, और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसको 5 वर्ष के लिए कार्य करना होगा, वो 5 वर्ष तक कार्य कर सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का रिलेटिव जो जितना बताया गया है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक ही बताया गया है, इससे ज़्यादा भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है। और इतना ही, अगर आप लोग भारतीय संविधान के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आप लोग भविष्य में राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, और राष्ट्रपति के लिए जितना भी रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे कि JPSC हो, अदर कोई भी अभी NTPC होगा, जितना भी एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को इतना से ज्यादा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर एक क्वेश्चन बाहर गया तो आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है फ्रेंड, सभी को बताइए कि इस चैनल पर अच्छा पढ़ाई होता है, ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्पफुल रहे और सभी स्टूडेंट भविष्य में कुछ नया कर सके। धन्यवाद फ्रेंड, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर, वंदे मातरम।